मध्य प्रदेश में इन दिनों आपदा है और हमेशा की तरह सीएम फील्ड पर हैं नर्मदा सहित तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं जब सीएम समेत तमाम मशीनरी फील्ड पर है तो आपदा टल ही जाएगी लेकिन जो सियासत शुरू हुई है वो कब थमेगी ये कहना मुश्किल है धार डैम में लीकेज अब सियासी मुद्दा बन गया है इस आपदा के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने में जुटी है कमलनाथ ने ट्वीट कर आरोप भी मर दिए हैं लेकिन सवाल यही कि आखिर आपदा पर सियासत हावी क्यों हो रही है तो अब इसे समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका गवाना नहीं चाहती डैम के लीकेज ने उसे बैठे बिठाए मुद्दा भी दे दिया है, चा का अब है। जिनकी फसल जिनके मकान सब चौपट हुए हैं उदाहरण अपने प्रदेश में जो तो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी है इसका एक उदाहरण राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस का अपना नजरिया हो सकता है लेकिन आपदा के वक्त जिस तरह से सीएम शिवराज ने बागडोर संभाली उससे 18 गांव के ग्रामीणों पर आया संकट टल गया अब बीजेपी कांग्रेस के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को नजीर बता रही है हमारे संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ जो तत्काल जब सूचना ये मिलती है कि लीकेज 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 है, डैम टूटा नहीं था, लीकेज था। लीकेज के बाद तत्काल सक्रिय होकर के जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन में उन्होंने भूमिका निभाई भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार का कुशल प्रबंधन कि इस प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी उससे कैसे बचा जा सकता है मुख्यमंत्री ने बेहतर तरीके से प्रबंधन किया देखो फसल ये, ये संभावना है कि कुछ जगह फसल में वास्तव में पानी गया होगा क्योंकि अगर रास्ते में कोई फसल आती है तो उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते अभी जब सभी लोग गांव में चले जाएंगे तो दो घंटे के बाद हम गांव ग्रामवार आकलन करेंगे और जो भी उनका अगर किसी का फसल लॉस होगा दे वुड बी सुटेबली कम्पनसेटेड डैम लीकेज मामले में सरकार की भूमिका किसी से छिपी नहीं है सरकार तो सर्वे भी करवाकर कर ये भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी ग्रामीण का नुकसान तो नहीं हुआ हालांकि लीकेज ने डैम की प्लानिंग और उसके निर्माण कार्य पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस उन्हीं सवालों को बड़ा करने में जुटी है नमस्कार तो मैं हूं शरद शरद्वेदी और आज का हमारा मुद्दा है संकट की घड़ी सियासत बढ़ी ऐसा होता ही है और दोनों ही तरफ से आमतौर पर जब इस तरह का कोई घटनाक्रम घटता है तो एक सियासी लड़ाई भी शुरू हो जाती है जिसमें जो सत्ताधारी पक्ष है उस पर विपक्ष हमले करता है और सत्ताधारी पक्ष उसके डिफेंस में या उसके पास जो दलीलें हैं जो जिन चीज़ों का उसने उसका क्लेम होता है कि हमने मजबूती से मौके पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और विपक्ष का ये आरोप निराधार है इस तरह की एक डिबेट हम देखते हैं धार का जो पूरा इंसिडेंट है इसमें जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका रही है इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें किसी को भी कोई नुकता चीनी की जरूरत पड़ेगी अब उसके बाद अगली भूमिका की बात आती है कि बहुत अच्छी बात ये रही कि शायद ये अपनी तरह का देश में पहला अटेम्प्ट रहा जहाँ बहुत मजबूती से एक दुर्घटना को न सिर्फ़ टाला गया बल्कि जान और माल के नुकसान को बिल्कुल मिनिमाइज लेवल तक पहुँचा दिया गया अब जो चीज़ें की जा सकती हैं वो आसानी से की जा सकती हैं ईश्वर न करे अगर इस इस जो संभावित और आशंकित हादसा दिख रहा था उसमें किसी की जान जाती या पशुधन हानि होती या बड़े पैमाने पर संपत्ति नष्ट हो जाती संपत्ति को हासिल किया जा सकता था लेकिन चाहे मनुष्य की जान हो या पशुधन की हानि हो उसकी क्षतिपूर्ति उस रूप में संभव नहीं थी इसलिए निश्चित तौर पर ये मौका सियासत की लड़ाई अपनी जगह छोड़ दीजिए वहाँ अपेक्षा मत करिए लेकिन ये सही बात है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना क्योंकि 40 साल पहले मोरवी बांध जो गुजरात में टूटा था उसकी तबाही का मंजर जिन लोगों ने धर्मयोग इंडिया टुडे और साप्ताहिक हिंदुस्तान और इस तरह की न्यूज़ मैगजीन्स एलस्टेड वीकली देखने की आदत है वो हमने भी स्कूल डेज़ में उन तस्वीरों को देखा है तो एक भयानक तबाही की तस्वीरें थी वो और यही वजह थी कि बहुत आशंकित थे सभी कि कहीं ऐसा ना हो कि अट्ठारह गाँव में ये बांध तबाही का एक पैगाम लेकर आए लेकिन अब सियासत है और ये विपक्ष का अधिकार है कि वो प्रश्न खड़े करे और सत्ताधारी पक्ष की ये जवाबदेही है कि वो विपक्ष के माध्यम से ही सही लेकिन जनता को संतुष्ट करे और ये बताए कि देखिए हमने पहला काम तो ये किया टाइमली कि इसको बहुत ही मिनिमाइज किया और अब जो सवाल विपक्ष उठा रहा है और जो शायद जनता के मन में हो सकते हैं हम उसकी तरफ भी बढ़ें सरकार ने एक कमेटी बनाई है ये भी खबर दोपहर बाद आई कि वहाँ सर्वे का काम शुरू हो गया है प्रभावित क्षेत्रों में जबकि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपा पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा पी चीफ कमलनाथ जी का कहना है कि वो जिस गांव में गए थे वहाँ इस तरह की कोई गतिविधि नज़र नहीं आई है बल्कि उनका तो ये भी दावा था कि वो पहले व्यक्ति हैं जो गांव में पहुँचे आज बात करेंगे इसी पर जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए दिनेश गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश जी हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी प्रवक्ता हैं वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं बहुत स्वागत है अवीश बुंदेला जी हैं युवा नेता हैं प्रवक्ता है कांग्रेस का उनका भी स्वागत दिनेश जी किस तरह से देखते हैं अब सियासी लड़ाई की बात है पांच सदस्यीय कमेटी बनी है और जो अंदर खाने से खबरें हमें मिली हैं वो ये कह रही हैं कि सरकार इस मसले पर एक निर्णायक किसी बिंदु तक पहुंच भी चुकी है और शायद कुछ दो तीन दिनों के भीतर वो तस्वीर भी सामने आए क्योंकि जिस तरह से ये मसला पी और दिल्ली तक सारी चीज़ें रही हैं और खुद इसमें यह भी माना जाता है कि दिल्ली से भी मैसेज यही है कि जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत स्टर्नली डील किया जाए अगर कोई लापरवाही पाई जाती है कोई चूक पाई जाती है तो संबंधितों के खिलाफ जवाबदेही के साथ और कठोर कार्रवाई की भी एक बात है आप किस तरह देखते हैं शरद जी देखिए जो पहली चुनौती थी जान माल की जो हानि को रोकना वो तो सबने जो है पूरी सरकार ने जिस तरह से उसको हैंडल किया निश्चित तौर पर वो सराहना का विषय क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा ये विकल्प नहीं था इसमें यदि आप लापरवाही करते जानबूझकर तो जा लापरवाही कोई भी नहीं सरकार नहीं करती यदि आपके ध्यान में आ गया है कि पुल में कोई लीकेज है डैम में लीकेज है तो आप पूरा पूरी मशीनरी उसमें लग जाएगी और वो वो तो तब ज़्यादा चिंताजनक था कि निर्माणाधीन है पूरी तरह से वो बना भी नहीं जैसा क्लेम किया जा रहा है उसमें रह गया था तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं जो सियासत हो रही है वो आपके आपदा प्रबंधन पर नहीं हो रही है सवाल हो रही है कि जिस तरह से उसमें निर्माण हो रहा था जो लगातार उसकी शिकायत हो रही थी उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जो बात हो रही थी उस पर सियासत है लेकिन शराब जी जो बारिश से पहले एक नियमित प्रोसेस है चाहे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी हो आप देखिए जितने सड़कों पर भी जो ब्रिज होते हैं जहाँ नदियों के ऊपर होते हैं उनका पी बारिश से पहले देख लेता है कि इसमें क्या है यदि लेवल ऊपर आता है पानी का तो इसकी बारिश की स्थिति में क्या स्थिति ऐसी बा, बांधों के बारे में देखा जाता है उनके जो सेफ्टी मेजर्स से हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्रशासनिक चूक है जो एक सरकार को अपनी जो है बदनामी से बचने के लिए आप कह सकते हो या अपने डैमेज कंट्रोल के लिए इतनी बड़ा सिस्टम हमको लगाना पड़ा ये छोटी सी प्रशासनिक लापरवाही थी जिसके लिए सरकार को अब प्रशासनिक ढंग से ही उस पर निर्णय करना है चाहे आप ठेकेदार की गलती हो या इंजीनियर्स की गलती हो जो भी होगा क्योंकि एक आपको एक जो है सुशासन और जो दूसरे तरह के जो एक आपको मैसेज देने हैं वो तो आपको एक कार्रवाई के जरिए दे सकते बिल्कुल और इस पर जो हमारे पास सूचनाएं हैं बंसल न्यूज़ के पास कि इसमें सरकार जैसा हमने पहले भी कहा कि नतीजे तक पहुंच चुकी है और कुछ प्रक्रिया से संबंधित जिस तरह की एक प्रोसेस फॉलो की जाती है उस प्रोसेस को लेकर भी किसी बड़े आ, एक रिफॉर्म की तरफ या एक बड़े डिसीजन की तरफ भी सरकार इसमें बढ़ सकती है ऐसी खबर भी बंसल न्यूज़ के पास है बहान अवनी जी आप क्या कहें देखिए सर इसमें स्पष्ट कहना है कि जो बांध बन रहा था शरद जी ये पहला बांध नहीं बना देश का मैंने पूर्व में भी कहा इसी चैनल पर साठ सत्तर साल पुराने बांध आज भी खड़े हैं जो हमारे समय में बनाए गए और मैं तो कह रहा हूँ ये बांध लीकेज हुआ क्यों 304 करोड़ जिस बांध की लागत है सबसे बड़ी बात जिस फर्म को आपने काम दिया था सारथी कंस्ट्रक्शन उसके जो भी ओनर है अशोक भारत मैं ये नहीं कहना चाहता कि किस पार्टी से जुड़े हैं क्या है वो मैं सब में नहीं जाना चाहूंगा वो व्यक्तिगत बात है सर जी लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो बांध अभी बनकर तैयार हो गया था लगभग आपने उसके निकास की प्रॉपर व्यवस्था की या नहीं की उसी के कारण ये लीकेज हुआ और लीकेज होना या बांध टूटना ये कोई आप ये समझें दोनों सेम बातें हैं मतलब आपके बांध का जलस्तर

आप उनकी जमीन अधिगत करके उनको वैसे ही परेशान कर रहे हैं। और फिर नजदीकी जो उनका गांव वो भी खतरे में है और आप खास बात देखिए आज कमलनाथ जी ने जो तत्परता दिखाई जाकर वहां गए कमलनाथ जी इसके पहले भी आप देखें कि जब कोविड काल चल रहा था शरद जी तो आपको याद हुआ कमलनाथ जी उस जहां मुख्यमंत्री अंदर गए थे मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए सरकार बच सरकार बचाने के लिए आप भी जानते हैं राजनीतिक मसला तो था नहीं और दूसरा थी राजनीति कहाँ जाएगा बोलिए मेरी बात और फंक्शन स्टॉप किए नहीं ऑफिस की फंक्शन चल रही थी और पूरा वल्लभ भवन कोविड ग्रस्त हो गया था तब भी चल रही थी शिवराज जी अपनी सरकार को

सर, तो, मैं, मैं बताता हूँ आपको मैं तीन सौ चार करोड़ का बांध टूटा कॉन्ट्रीब्यूट कर करने की कोशिश की सरकार की जवाबदेही अधिकतम होती है मुख्यमंत्री ने अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और यही भूमिका कमलनाथ जी ने अपने निभा जी मैं लौटता हूँ आपकी मैं खुशी है कि भाजपा कमलनाथ जी के नाम से डरती है आज वहाँ गए जो डर है हमें धन्यवाद

बांध बनते हैं अभी भी 40 प्रोजेक्ट और हैं जो ऑनलाइन आने वाले छोटे बैराज से लेकर आप भी गुप्ता जी जानते हैं सरकारें कोई भी रही हो एक भी बांध आज तक बहा नहीं है मैं खुद तवानगर का रहने वाला हूँ साहब तवा डैम के किनारे रह के मैंने पांच साल पढ़ाई करी है उस गांव में मैंने इरिगेशन के और तब आपकी भी सरकारें थी सर तो उसका दल से संबंध नहीं है बहुत शिद्दत से मेहनत से काम करते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं तो इसीलिए एक भी निर्मित बांध पर कोई त्रासदी इस प्रकार की नहीं आई है बिल्कुल ये बहुत हमको क्लियरली बोलना चाहिए दूसरी बात दुनिया में बांधों में दिक्कतें आई हैं ऐसा नहीं कि नहीं आई है वो दिक्कतें मानव निर्मित भी होती हैं क्योंकि अधिकांश हिस्सा जो बांध अपने आप में एक मानव निर्मित पूरी संरचना है प्राकृतिक नहीं है तो प्रकृति और बांध के बीच का संबंध टूटता है कई बार और ये विभिन्न देशों में भी हुआ है तीसरी बात इस सब के बावजूद भी हमको शरद जी ध्यान रखना चाहिए एक भी पशुधन या हानि हम नहीं होने दे पाए इसके लिए एन डी आर एफ एस डी आर एफ भाई और रुड़की के इंजीनियर्स हो गए स्थानीय प्रशासन आपने पवन जी को सुना कुछ इंजीनियर्स उनके गले बैठे हुए हैं साहब पवन जी वहाँ के कमिश्नर हैं बहुत कोविड के समय भी आपने उनको देखा होगा वही टिके रहे सौ घंटे पूरे हटे नहीं हैं वहाँ से ये लोग तो इन लोगों ने बहुत मेहनत करी आप नेताओं को छोड़ दीजिए भाई नेता तो एक मॉरल ताकत देता है मैं मानता हूँ शरद जी गुप्ता जी और अवीश जी बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन ये लोग तो टिके रहे ना साहब फिर तटबंध नदी ने कभी नहीं तोड़ा ये प्रकृति ने भी अपना साथ दिया है तो इसीलिए आपको फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं मिलेगा क्योंकि जब बहाव बढ़ा भी आ, दस मीटर जब कैनाल जो मिट्टी की थी वो टूट के चौड़ी हुई तो नहीं हुआ है तो मेरा कहना है कि जो गुप्ता जी ने कहा आपदा प्रबंधन में हम सफल रहे हैं हम इतना मानते हैं दूसरी जो शरद जी आपने बात कही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी पूरे विषय की जांच होना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस की बात हो कोई भी सरकार अपने कार्यकाल में कभी कोई जनहानि ऐसे ना चाहती है

उसका समापन शिवराज जी ने कराया प्लेट लगाई उनके भी नाम है पटवा जी का भी नाम है तो इसका दलगत नहीं है तो मेरा निवेदन यह है कि कहीं पर भी आपके पास एविडेंस है किसी भी किस्म की चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या किसी ने त्रुटिपूर्ण काम किया हो तो जनहित में हमको बिल्कुल सामने लाना चाहिए कोरी राजनीतिक बयानबाजी से शायद बचना चाहिए मेरा बहुत विनम्र सम्मिशन केवल इतना है और कुछ नहीं है क्योंकि हम बोलते वो सो रहे थे ये कर रहे थे तो मैं भी साहब को बलनाथ जी बहुत सीनियर आदमी में क्यों ऐसे रिमार्क करूं उनके ऊपर अब ठेकेदार इसके अब ठेकेदार 1990 में आपके एक प्रवक्ता ने बोल दिया कि साहब मेरी मोटरसाइकिल पर घूमता था दिग्विजय सिंह जी के साथ में तो ये कोई तरीका नहीं हुआ ना सर ठेकेदार ठेकेदार है उसको तो काम करना है चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार हो चाहे पर इसका मतलब उसको लाइसेंस तो नहीं मिल गया ना कि भाई काम मिला है उसको लोगों को मारने का लाइसेंस किसी को नहीं मिला है तो और देखिए सर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए विश्लेषण के लिए सर ये साइट हैंड नहीं हुई थी तो ये निर्माणाधीनता निर्माणाधीन अवस्था में कहीं ना कहीं चूक तो चाहे वो पंद्रह वाटर को लेकर हुई है कि क्या वो वॉल रिटेन कर पाती नहीं कर पाती इससे नकारा नहीं जा सकता चलिए आप जल्दी से कुछ मैं इतना आपके अगर इतने अच्छा काम किया उन इंजीनियर्स ने तो मैं तो कहता तो हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार दे दीजिए उनको अगर आप जो कह रहे हैं कारम बांध में इतना अच्छा गुणवत्ता देखिए काम तो अच्छा किया सर जो रोका है मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पहले बना है उसको ठीक है वो तो जांच के दायरे में है डॉक्टर नितेश वाजपेयी भी मान रहे हैं इसी भोपाल में कच्चा बांध बना जिसमें नहीं लगा है। उसको कहते कलिया वो भरता है। गेट खोलते तो 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 दो हजार, हजार, हजार बीस में दतिया में आपको याद नहीं कौन सा बांध टूटा था दतिया में नावली का बांध नहीं टूटा था आप याद करिए आप खुद भूल जाते हैं कितने कितने सारे देखिए इससे इस तरह से, इस ये से ये हम बातचीत तो अगर हम एक दूसरे को गलत ही साबित करने पर जुटे हैं आपकी जिम्मेदारी ये है अवनीत जी विपक्ष के नाते कि आप एक बहुत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना के तैयार करिए जिसको कोई झुटला ना सके जिसके सारे तथ्य आप रखिए आपके लिए और भी दरवाजे खुले के लिए हमारे नेता हमारे आदरणीय कमलनाथ जी लगे हुए हैं उसके ऊपर भी आज भाजपा को इनके नेताओं को तकलीफ हो रही तो हम समझ से परे है तो सियासत

आपको 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 थे, कुल थे, थे, ये थे जाएगी। आपके विधायक रहते उन्हें, रेप किया मनु याद याद है है अरे अरे आपको हाई के में उत्तर प्रदेश जो लोग ये देखते हैं कार्यक्रम उनको ये समझ में नहीं आता कि एक अच्छी भली बहस अचानक से पटरी क्यों छोड़ने लगती है क्यों उसमें बलात्कार आ जाता है बांध की बात हो रही है कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे बहस करते करते डिबेट करता चिल्लाने लगे माफ कीजिएगा दुष्यंत जी तो ये नहीं होना चाहिए सर हम मुद्दे पर रहें और तथ्य परक बात करते रहें कौन पीछे हटेगा और किसने ये कहा है कि कड़वी गोली की तरह बहस करते समय तने रहिए है अंकड़े रहिए भौन अरे अरे क्या कह दिया आपने अरे सुनिए आप ये किसने कहा है सर ये किसने पैरामीटर तय किया है दिनेश जी मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ बीजेपी ने एक मोर्चा बहुत ताकत से जीता जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोर्चा इस मायने में रहा कि अगर ईश्वर न करे कोई दुर्घटना बड़ी हो जाती तो एक तो आज़ादी के पहले की बात दो तीन दिन पहले से तनाव बना हुआ था मुख्यमंत्री खुद बहुत चिंतित थे प्रधानमंत्री ने अप्राइज किया केंद्रीय गृह मंत्री ने अप्राइज किया तमाम और निश्चित तौर पर देखिए हम उस टीम का मनोबल कम ना करें जिसने इसको एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक दिया चाहे उसमें प्रशासनिक दक्षता हो राजनीतिक दक्षता हो और मौके पे छोटे छोटे पोकलेन और जेसीबी चलाने वाले हमारे बहुत छोटे निचले स्तर के कार्यकर्ता हों सबको प्रणाम है लेकिन अब आगे की भूमिका भी बीजेपी उसी तरह निभाती है उसी दायित्व को लेकर आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये पूरा घटनाक्रम जो है ये एक बहुत अच्छे बीजेपी की नई जी। जी। बीजे सरकार की आप बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे ही आप बीजेपी कहते हैं तो फिर कांग्रेस चिल्लाने लगती है तो फिर वो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है सरकार ने जिस तरह से आप देखिए नीचे एक तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक या मुख्यमंत्री ने सरकार का एक हेड है वो तो उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई वो उस वक्त उस स्थिति में बहुत बेहतर थी आप देखिए कमलनाथ जी का पूरा स्टेटमेंट आप देखिए उन्होंने उस भूमिका पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया कि आपने ये जो जान माल का नुकसान बचाया आपने जिस तरह से आपदा प्रबंधन किया उस पर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे वो कह रहे सर्वे नहीं हुआ लोग आज भी जो है उनका ट्वीट आप बार बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखो वो कह रहे सर्वे नहीं हुआ लोग जो है पहाड़ों पर रह रहे हैं है ना उनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है तो जो पानी कहीं भी जाएगा आप डैम से हम पानी बहाएंगे नेचुरली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेत में जाएगा इसी का अब सर्वे होगा नुकसान इसके बाद सामने आएगा कि कितना नुकसान हुआ क्योंकि ये जो प्राथमिकता थी सरकार की उस प्राथमिकता को उन्होंने कर लिया उसके बाद जो बांध में कहाँ जो है आपको टेक्निकल प्रॉब्लम थी या निर्माण में कोई समस्या थी वो एक अलग विषय है क्योंकि ये जो विषय इस वक्त इतना गंभीर विषय है यदि कहीं इस तरह की चूक हो रही है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सरकार ने दिए हैं या जो उनके जो भी उनके उन्होंने जो कंडीशन दी हुई है या अर्थवर्क जो करना था उन सबकी जो स्थितियाँ थी वो सब टेक्निकल हैं और ये गंभीर विषय है कि इसमें यदि ये कोई बड़ी दुर्घटना हमने जो है रोक ली है आगे ना हो ये भी उसमें एक जाँच कब जागे सुझाव देना उनको कि इस तरह के जब बांध बनते हैं तो किस तरह की कि हमको तो सुरक्षा व्यवस्था रखनी है तो ये आगे के लिए भी ये जो घटना है वो कुछ कुछ नए ही और ये भी जो अच्छी चीजें हैं वो भी क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक एग्जांपल प्रस्तुत किया है एक अच्छी कोशिश ये रही है कि हम किसी ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना को रोकने में भी कामयाब हो सकते हैं अगर टाइमली हमें चीज़ें पता चलती हैं और बहुत रिस्की था सर हमने बंसल न्यूज़ ने बात की उन पोकेंड ड्राइवर से उनका कहना था अचानक काली मिट्टी पूरी धसक सकती थी और आप जिसको थोड़ा थोड़ा काटने की कोशिश कर रहे थे यानी बहुत विशेषज्ञता और तमाम चीज़ डॉक्टर साहब जो सर्वे की बात है हालांकि कमिश्नर साहब का क्लेम है पवन जी का कि सर्वे दो घंटे बाद ही आरंभ हो गया था यानी एक दिन पहले ही सर्वे की प्रोसेस शुरू हो गई थी ये उनका दावा है और तमाम जगह से जो चीज़ें हैं क्या अपडेट आपके सत्ताधारी दल के सदस्य के नाते आपके पास इसका क्या अपडेट है कि क्या जो लोग जैसा दावा कांग्रेस कर रही है कि पहाड़ों में हैं या अभी विस्थापित जैसी स्थिति में हैं उनके लिए सरकार की देखिए बिल्कुल कमलनाथ जी ने जो बात कही है गलत नहीं कही है और ये सब अठारह गाँव के लोगों को कुछ लोगों को शिविरों में भेजा गया गांव खाली कराए गए और इसलिए वाकई में वो गांव में नहीं थे कुछ लोग अपने बस्तियों को दूर छोड़कर नहीं जा रहे थे आपकी फुटेज में भी है वो वहीं से ऊपर से अपने मकान को देख रहे थे तो पहाड़ियों पे बैठ गए थे ये बात भी सच है तो कुछ लोग पहाड़ों पर भी रहे पर साथ ही साथ हमारा ये निवेदन है सर्वे की उन्होंने बात कही चलिए हम मान लेते कमलनाथ जी के कहने पे सर्वे शुरू हो गया हम तो उनको बधाई दे देते दे तो उसमें क्या दिक्कत है भाई हमें देखिए जेन्यून चीज़ में क्या प्रॉब्लम है तो पूरा अमला साहब सौ घंटे तक लगा रहा जैसा दिनेश जी बता रहे तहसीलदार से उन्हीं को तो सर्वे करना है पटवारियों को जो वहाँ डंडा ले लेके खड़े थे बेचारे सब देख रहे थे कि एक चीज पर नजर रखे थे रात को सर दो बजे सोचिए काली मिट्टी धसक जाए और पंद्रह एम सी एम पानी भरा हुआ उसका वाटर हेड सोचिए कितना हैवी होता है एग्जैक्टली उन्हीं exactly, ने किया सोए नहीं वहीं पर ही किया तो नेचुरली दो बज गए उनको और बारह एक बजे से आपको फुटेज भी मिल गया तो आ गए साहब उनको लगा कमलनाथ जी पूछेंगे तो भाई पहुंच जाओ हम तो ये भी मान लेते हैं तो हम इसको तो सकारात्मक राजनीति मान लेते हैं जी कोई इसमें दिक्कत नहीं करेंगे ये सब मिलके करेंगे और बल्कि इसमें कोई कमी लगती है आप कोई कोई छूट रहा है पन्ना नला वो भी बताइए हमको क्योंकि अंत में देखिए हमारा उद्देश्य किसी को छोड़ना नहीं है पर हम बहुत विनम्रता से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि साहब इसमें तथ्यात्मक रूप से हमारी आलोचना करिए बस मैं केवल एक बॉटम लाइन बोल हालांकि उसका स्थान राजनीति में नहीं होता है मैं आपकी दिक्कत भी समझता हूं। लेकिन स्पोर्ट्स में जब होता है तो राजनीति में क्यों नहीं होता चलिए प्रबंधन में जो भी कर्मचारियों ने सैनिकों ने जो काम किया उसके लिए उनका अभिनंदन है और मैं कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ बात को कहते ना बात को गलत समझा जा हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं आप इस तरह की ये पहला मामला नहीं शरद जी आते सड़कों की हाल देख लें पुलों के हाल पिछले साल आप देखें ग्वालियर चंबल संभाग में जब बाढ़ आई तो उसकी क्या स्थिति तो उस भी कहा था कि सबसे बड़ी बात सरकार को एक नीति बनाना चाहिए। कि बिलो फाइव या बिलो टेन परसेंट टेंडर एंटरटेन नहीं किया जाएगा सर। ये बिलो टेंडर सारे उसके कारण घटिया हो रहा है मुझे लगता है इसके ऊपर एक ठोस नीति बनना चाहिए बिल्कुल ठीक देखिए इसको इस तरह से भी हम समझे कि, 2003 2003 कि सड़क नहीं बनी बिजली का संकट था ऐसा नहीं था राजनीति में हमले होते हैं और हमले उस समय भी हुए उस सरकार पर जैसे आज आप बीजेपी पर कर रहे हैं हमले लेकिन हर सरकार प्रायोरिटी बनाती है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो उस जनता को प्रसन्न कर सके जिसने या तो उसे पूर्व में भी निर्वाचित किया है या आगे उसको फिर निर्वाचित करने की सारी संभावना उस जनता में दिख रही है इसलिए किसी भी सरकार के जब भी आप दोनों सत्ताधारी या विपक्ष एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं तो ये जनता पर छोड़ना ज़्यादा उचित होता है कि वो किस नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देख रही है और अगर आप खुद उस नज़रिए को पुष्ट करते हुए जनता को नजर आते हैं तो जनता भी प्रसन्न होती है और ताली बजाती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ें जनता पर छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा और जैसे खेल में होता है सर हमने हमेशा देखा कि जो टीम हारती है और जो टीम जीतती है दोनों के कैप्टन एक दूसरे की तारीफ करते हैं आज हमारा दिन नहीं था मैं अपने साथी कैप्टन को बधाई दूंगा उन्होंने सारे खेल के मोर्चों पर हमें आज पीछे छोड़ा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आज हमारा दिन नहीं था ये कहना आपको बड़ा बनाता है और ऐसा कहने वाला कैप्टन मीडिया की निगाह में भी बेहतर होता है और जनता या दर्शक जिसको आप कहते हैं जिसको हम लोकतंत्र में जनता बोलते हैं वो भी प्रसन्न होती है लेकिन राजनीति में ये संभव नहीं है इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहूँगा लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि असंभव कुछ भी नहीं है और आप दोनों जनता के लिए हैं मैदान में ये मैच जो आप लड़ रहे हैं जनता के लिए लड़ रहे हैं शुभकामनाएँ है आप दोनों को ही हैं लेकिन मध्य प्रदेश कभी ना हारे ये आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले होना चाहिए बहुत शुक्रिया दिनेश जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी धन्यवाद अवनी जी आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा आज के मुद्दे में देखिए बदला नमस्कार